अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं महरीन अमीन। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। शादी खत्म होने की मुश्किलात के दौरान ओहदा छोड़ने पर गौर किया। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि मुझे अभी एहसास हुआ है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, हालात पहले की निस्बत ज्यादा मुश्किल हो गए हैं। कैनेडियन वजीर खारजा की इलाकाई कशीदगी के दरमियान आर्किटेक्ट खारजा पॉलिसी में नेटो के साथियों के साथ मिलकर काम करना शामिल। जॉली का कहना है कि पॉलिसी दस्तावेज की जरूरत है। कनाडा यूक्रेन के कर्ज की मद में 5 बिलियन डॉलर का तावन करेगा। कर्ज मंजामंद रूसी असासों से आने वाली आमदनी पर मबनी होगा। G7 रहनुमा कर्ज की तफसीलात को हतमी शक्ल दे रहा है। यूक्रेन के सदर की सऊदी वली अहद से मुलाकात, रूस जंग पर तबादला ख्याल। यूक्रेनी बहरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 3 माह में यूक्रेनी सदर का ये दूसरा दौरा सऊदी अरब है। गजा जंग बंदी के लिए हमास की बास तजावीज काबले कबूल नहीं। अमरीकी वजीर खारजा का कहना है कि गजा में जंग बंदी के लिए कोशिशें जारी हैं। हमास की तजावीज पर मिस्री और कतरी क्यादत से तबादला ख्याल किया है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, PNP एंड PR वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कैनेडियन वजीरे आजम जस्टिन ट्रूडो ने एक हालिया पॉडकास्ट में कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता साल अपने ओहदे से अलहदा होने पर गौर किया क्योंकि इनकी शादी टूटने लगी थी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने एक हालिया पॉडकास्ट में कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता साल अपने ओहदे से अलहदा होने पर गौर किया क्योंकि उनकी शादी टूटने लगी थी। ट्रूडो और उनकी अहलिया सूफी ग्रेगोर ट्रूडो ने गुज़िश्ता अगस्त में ऐलान किया था कि वो अलहदगी पर रजामंद हो गए हैं। पॉडकास्ट के मेज़बान ने ट्रूडो से पूछा कि वो कितनी बार छोड़ने के बारे में सोचते हैं। इन दोनों बिल्कुल भी नहीं, ट्रूडो ने कहा, इससे पहले कि यह ख्याल उनके जहन में पिछले साल गुजरा था। ट्रूडो का कहना था कि पिछले साल एक लम्हा था जब मुझे अपनी शादी में कुछ मुश्किलात का सामना था, जहां मैं वाकई में हैरान था। मुझे अभी एहसास हुआ कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि अगरचा मैं इसमें कुछ सालों से रहा हूँ, अगरचा ये पहले की नस्बत अब मुश्किल है, हालांकि मेरे मुखालिफ को मौका मिल रहा है। हुकूमत करने वाले लिबरल्स इंतखाबात में अपोजिशन कंजर्वेटिव को पीछे छोड़ रहे हैं और ट्रूडो की ज़ाती मकबूलियत की दर्जाबंदी में कमी आ रही है। अप्रैल में इंग्स रेड के एक सर्वे से मालूम हुआ कि सिर्फ 28% कैनेडियन ट्रूडो को मंजूर करते हैं, जबकि 66% ने उन्हें बतौर वजीर आजम नापसंद किया है। ट्रूडो ने अपनी मौजूदा गैर मकबूलियत को तस्लीम किया जब उनसे पूछा कि वो कैनेडियनों की तनकीद से कैसे निमटते हैं। उनका कहना था कि मैं हिमायत की जगह जाने की कोशिश करता हूं। उनका कहना था कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मुझे कितना नापसंद करते हैं, मुझे अभी भी कोशिश करनी है और सोचना है कि मैं इस बात को यकीनी बनाने के लिए क्या कर सकता हूं कि कैनेडियन या उनके बच्चे या उनकी कम्युनिटी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। ट्रूडो का पॉडकास्ट पर नज़र आना लिबरल्स की जानिब से नौजवान वोटरों को जीतने की ठोस कोशिश का हिस्सा है। कनाडा के खारजा अमोर की वजीर मिलानी जॉली एक आर्किटेक्ट खारजा पॉलिसी तैयार कर रही हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा की खारजा अमोर की वजीर मिलानी जॉली एक आर्किटेक्ट खारजा पॉलिसी तैयार कर रही हैं, जिसका मकसद बैनुल अक्वामी ताल्लुकात में मज़ीद कशीदा वक्त के लिए तैयारी करना है।
जूली ने एक इंटरव्यू में बताया है कि इसमें नेटो के साथियों के साथ मिलकर काम करना शामिल है, बशमूल फिनलैंड और स्वीडन जो हाल ही में फौजी इत्तेहाद में शामिल हुए हैं। जूली के दफ्तर का कहना है कि ये एक खारजा पॉलिसी है, ना कि हिकमत अमली की दस्तावेज़। जूली की जानिब से हिंद बहरुल काहिल के इलाके के हवाले से जारी किए गए वसी मंसूबे के बरक्स ये खबर हालिया दौरों के बाद सामने आई है, जो जूली ने स्टॉकहोम और इलाकाई वजीर आजम से मुलाकात के लिए एक वालिद का दौरा किया। जूली का कहना है कि पॉलिसी दस्तावेज़ की ज़रूरत है, क्योंकि खत्ते में जोग्राफियाई सियासत दहाइयों से जारी कम तनाव की सूरत हाल से तेज़ी से बदल गई है, और इसका मतलब है कि फ़ौजी मशकों, इंटेलिजेंस शेयरिंग और दिफाई खरीदारी में नई शराकत दारी की ज़रूरत है। लिबरल्स ने 2019 में आर्किटिक और नॉर्दर्न पॉलिसी फ्रेमवर्क का आगाज़ किया, जिसमें तालीम और सेहत की देखभाल जैसे मसाइल के साथ साथ फौजी मसाइल पर दायरा इख्तियार में तआवुन पर तवज्जो मरकूज़ की गई। जूली तजवीज़ करती है कि इस दस्तावेज़ का एक नया बैनुल अक्वामी बाब होगा। 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमरीका, फिनलैंड और दीगर आर्किटिक रियासतों ने नई हिकमत अमली जारी की, जिनमें खुद मुख्तार इलाके के किसी भी शरीक इंतखाब को महदूद करने की कोशिशें शामिल हैं। हालांकि मास्को का इसरार है कि इसके ऐसे कोई अजायम नहीं है। कैनेडा यूक्रेन को कर्ज के लिए $5 बिलियन देने के लिए तैयार है, मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा यूक्रेन को कर्ज के लिए $5 बिलियन देने के लिए तैयार है, जो कि मुंजमद रूसी असासों से आने वाली आमदनी पर मबनी होगा। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि G7 रहनुमा कर्ज की तफसीलात को हतमी शक्ल दे रहे हैं। G7 ममालिक के रहनुमाओं ने यूक्रेन की बका की जंग में मदद करने के लिए $50 बिलियन के कर्जे को इंजीनियर करने पर इत्तेफाक किया है, जो रूस के मुंजमद मरकजी बैंक के असासों से हासिल होने वाले मुनाफे को बतौर जमानत इस्तेमाल करता है। 3 रोज़ा सरबराही इजलास दौलतमंद जमहूरियतों के रहनुमाओं फ्रांस, इटली, जर्मनी, बरतानिया, अमरीका, कनाडा और जापान के दरमियान तआवुन का एक मौका है। एक सरकारी अहलकार ने कहा कि कनाडा का नया माली तआवुन इस मुहादे का हिस्सा होगा जिस पर काम किया जा रहा है। अमरीका ने कनाडा की हिमायत के साथ तकरीबन 200 बिलियन यूरो के मुंजमद रूसी असासों पर सूद का इस्तेमाल करने की तजवीज़ पेश की है, जो ज़्यादातर यूरोप में रखे गए हैं, ताकि यूक्रेन के लिए जारी तआवुन के लिए $50 बिलियन का अमरीकी बैंक कर्ज हासिल किया जा सके। तवक्को है कि यूक्रेन रहनुमाओं के लिए एक अहम एजेंडा आइटम होगा, क्योंकि अमरीका रूसी असासों पर मुहादे तक पहुंचने के लिए दबाव डाल रहा है। वजीर आजम ट्रूडो, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स, फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकातें करने वाले हैं। वो अफ्रीका, मौसमियाती तब्दीली, मशरक़ वस्ती और यूक्रेन के साथ तआवुन पर दीगर रहनुमाओं के साथ वर्किंग सेशंस में भी हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। ट्रूडो हफ्ते के रोज़ यूक्रेन से मुतालिक एक सरबराही इजलास में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, जहां ममालिक का एक बड़ा ग्रुप अमन के मुस्तकबिल के रास्ते पर बातचीत के लिए मुलाकात करेगा। यूक्रेन के सदर सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए, जहाँ उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सऊदी अरब के सरकारी खबर सदारे के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जद्दा पहुंच गए। कौमी सलामती के मुशीर और यूक्रेन में सऊदी सफीर ने उनका एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। बाद अज़ा यूक्रेनी सदर शाही महल पहुंचे और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने रूस जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में ज़ेलेंस्की और सऊदी वली अहद की 3 माह कबल होने वाली मुलाकात में अमन मंसूबे को फ़रोग देने और जंगी कैदियों के तबादले पर तय पाने वाले उमूर पर अमल दरामद का जायजा भी लिया गया। ख्याल रहे कि फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और इसके 4 इलाकों पर कब्जा करके नाम नहाद रेफरेंडम कराया और उन इलाकों को रूस में जम कर लिया। मगरबी ममालिक की हिमायत यूक्रेन को हासिल होने के बावजूद 2 साल से रूस ने जंग मुसल्लत कर रखी है और दोनों जानिब जानी और माली नुकसान हो रहा है। सऊदी अरब के बदस्तूर रूस और यूक्रेन के साथ ताल्लुकात कायम हैं, इसलिए वो जंग बंदी में सालिसी का किरदार बेहतर तौर पर निभा सकता है। सऊदी अरब ने रूस यूक्रेन जंग पर सालिसी का किरदार अदा करने की कोशिश में गुज़िश्ता बरस अगस्त में जंग बंदी मुज़ाकरात की मेज़बानी भी की थी, जिसमें रूस के अलावा 40 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की थी। याद रहे कि यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मई 2023 में जद्दा में होने वाली अरब लीग के सरबराही इजलास में भी शिरकत की थी। अमरीका ने कहा है कि गजा में जंग बंदी के लिए पेश किए गए मंसूबे में हमास की जानिब से पेश की गई बास तजावीज़ कबूल नहीं, मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका ने कहा है कि गजा में जंग बंदी के लिए पेश किए गए मंसूबे में हमास की जानिब से पेश की गई बास तजावीज़ कबूल नहीं। दौरे कतर के दौरान दोहा में कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए
امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ اب بات چیت روک کر جنگ بندی شروع کرنے کا وقت ہے۔ حماس کی کچھ تجاویز قابل عمل ہیں، کچھ پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے دوحہ میں قطر کے امیر شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کے ساتھ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حماس نے امریکہ کی جانب سے پیش کیے امن معاہدے میں کچھ ترامیم پیش کی ہیں جو قابل عمل نہیں ہیں، تاہم بعض تجاویز پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ انٹونی بلنکن نے کہا کہ حماس معاہدے کو نہیں مانتی، تو یہ واضح ہے کہ حماس نے غزہ جنگ جاری رکھنے کا انتخاب کر لیا ہے۔ حماس کو خطے کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے اور نہ دی جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ جنگ بندی معاہدے تک پہنچنے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے کوششیں جاری ہیں، حماس کے اقدامات کے جواب اسرائیل کی غزہ میں جنگ جاری رہے گی۔ حماس کی تجاویز پر مصری اور قطری قیادت سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ حماس نے بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں مکمل جنگ بندی کے لیے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلا کیا جائے۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی، اپنی میزبان مہرین امین کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔